नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रीट के ऑनलाइन फॉरम की जो डेट है वो निकल चुकी है, 23 मई लास्ट डेट थी। लेकिन दोस्तों, लगभग 10,000 लोगों ने क्या हुआ था कि चालान तो हो गया था, उनका फीस जमा हो गई थी, लेकिन फॉरम जो है नहीं भर पाए, क्योंकि उनका जो फीस कट करने की जो स्लिप है दोस्तों वो उन्हें नहीं मिली, इस वजह से फॉरम नहीं भर पाए। तो ऐसे में 50 लाख का फ़ायदा यहाँ पर बोर्ड को हुआ है, क्योंकि फॉर्म भर गए हैं लेकिन दोस्तों वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। बीएड में इस बार एसटीसी के मुकाबले 9 लाख फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, 9 लाख ज़्यादा छात्र इस बार बीएड में एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि दोस्तों लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को फॉर्म भरने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी थी, हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर जो है लेवल फर्स्ट से बीएड वालों को बाहर कर दिया था। तो ऐसे में 23 और 24 जुलाई को एग्ज़ाम सेंटर भी बुक हो चुके हैं, और मुख्य पेपर के सिलेबस को लेकर इसी सप्ताह आप सबके लिए अच्छी अपडेट भी आने वाली है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को पूरा जल्दी देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लेवल 1 में 9 लाख अभ्यर्थी कम बैठेंगे, कारण इस बार बीएड डिग्री वालों ने नहीं भरे हैं आवेदन। आपको बताऊँ तो इसके दो कारण हैं। एक तो जो पात्रता एग्जाम है दोस्तों, उसमें क्या हुआ है कि जो बीएड वालों का जो पेपर हुआ था L2 का, उनकी पूरा पेपर रद्द किया गया था। तो लगभग 12 लाख से ज़्यादा छात्र तो उन सब ने दोबारा से फॉर्म भरे हैं। और वहीं अगर मैं लेवल फर्स्ट की बात करूं तो लेवल फर्स्ट में लगभग 9 लाख छात्रों को तो पहले से ही पात्रता मिल चुकी है, तो वो इस पात्रता एग्जाम को नहीं देंगे, क्योंकि उनकी पात्रता आजीवन कर दी गई है। और वहीं दोस्तों, बीएड वालों को भी शामिल नहीं किया गया लेवल फर्स्ट में, इसीलिए इस पास फॉर्म कम भरे गए हैं, और 3 साल की जो वैधता थी वो खत्म कर दी गई है। 2021 की रद्द परीक्षा अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हुए हैं, हालांकि उनसे फीस नहीं ली गई है, लेकिन नए अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं। ऐसे में बीएड में फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, बीएड में जो फॉर्म भरे गए हैं वो 12,57,738 फॉर्म हैं, और बीएसटीसी के जो फॉर्म हैं वो 3,86,000 फॉर्म भरे गए हैं। और इसकी जो जानकारी है वो मेघना चौधरी ने दी है दोस्तों, जो रीट समन्वयक हैं। आपको बता दूँ दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम का आयोजन है वो 23 और 24 जुलाई को करवाया जाएगा। हालांकि अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं या फिर एग्जाम सेंटर कम पड़ते हैं सरकारी, तो 25 जुलाई को भी एग्जाम हो सकती है, और एग्जाम की तैयारी अभी से बोर्ड कर रहा है। एग्जाम सेंटर बुक हो गए हैं दोस्तों, सभी को पहले से ही नोटिस दे दिया है। 16,44,000 से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन आपको बताऊँ दोस्तों, जब आपका मुख्य पेपर होगा, आरटेट होगा एक तरह से, जो आपका जनवरी में होगा, उसमें फॉर्म और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों लेवल फर्स्ट के जिन्हों पहले से पात्रता मिल चुकी है वो भी इसमें फॉर्म भरेंगे। तो आप मान के चलिएगा कि 20 और 22 लाख से ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे, इसलिए आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। हालांकि छात्र अभी से मांग कर रहे हैं कि 60,000 पद किए जाएँ। अभी फॉर्म में संशोधन का जो कार्य है दोस्तों, आप कर सकते हैं, आज से फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। 25 मई से 27 मई तक फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। आप संशोधन किन किन चीज़ों में कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दे रखी है दोस्तों। और संशोधन के अलावा दोस्तों, आपकी जो एग्जाम में अगर आपसे कोई गलती होगी उसको सुधारने के अलावा, रीट की जो आवेदन नहीं कर सके अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है ये दे सकते हैं दोस्तों। लगभग 10,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म है वो सबमिट तो हो गया है, लेकिन दोस्तों उनकी जो है चालान नहीं कटा, इसलिए बोर्ड को 50 लाख का अधिक का फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, ये दे सकते हैं दोस्तों। यदि 10,000 अभ्यर्थियों को भी फीस जमा हो गई है और चालान जनरेट नहीं हुआ है, तो करीब 55 लाख रुपए का सीधा फायदा बोर्ड को होगा। तो लगभग 10,000 छात्रों का फॉर्म भर गया है लेकिन चालान जनरेट नहीं हुआ है, साइट बिजी थी शनिवार और रविवार पढ़ने की वजह से। इसीलिए दोस्तों, अब आपकी जो दोबारा से लिंक को ओपन करने को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं, लेकिन लिंक ओपन नहीं होगी दोस्तों, 3 बार डेट बढ़ाई जा चुकी है, अब आपकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, रीट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।